पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। बिहार की 5 सीटों पर 5वें चरण में 55.85% वोटिंग, पिछली बार से 1.25% कम हुआ मतदान, सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में, सबसे कम मधुबनी में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान खत्म हो गया। इस चरण में सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। कुल 55.85% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 58.10%, सबसे कम मधुबनी में 52.50% वोट डाले गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसआर श्रीनिवास ने कहा कि बिहार में 5वें चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक कुल 55.85% मतदान हुए जो अनुमानित है। उन्होंने कहा कि 2019 में इन सीटों पर 57.07% मतदान हुआ था, इस बार लगभग 1.25% कम वोटिंग हुई है। सारण से एनडीए प्रत्याशी और सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने 3 बूथों पर गड़बड़ी को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करी है। इधर मधुबनी में पुलिस ने एक युवक को फर्जी वोट डालने के आरोप में हिरासत में लिया है। सरोज चौधरी, हैदराबाद न्यूज़, इतिहास।